इंदौर का खजराना क्षेत्र की जनता नहीं समझ पा रही है कि कोरोना क्या बीमारी है। टीआई संतोष यादव अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ 2400 घंटे गश्त कर जनता से निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में ही रहें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, पर जनता है कि मानने को ही तैयार नहीं है, पुलिस को मजबूर कर रही है लाठियां चलाने को। अपील इस बात के लिए भी है कि आप खुले में बेवजह ना घूमें, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ घर का दरवाज़ा बंद करके आप घर के अंदर रहें। ये भी देखने में आ रहा है कि लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं, दो चाचा लोग ग्रुप में बैठे बातचीत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ज़रूरी है कि आप अपने घर के अंदर रहें, बच्चों के साथ टाइम दें। 21 दिन की बात है, ऊपर वाला चाहेगा, सब व्यवस्था बेहतरीन है और सब हम इस विपत्ति से, इस महामारी से निपट लेंगे। आप सभी का सहयोग की अपेक्षा है। आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे। एक तरफ पूरे देश में इस वक्त कोरोना जैसी गंभीर बीमारी फैल रही है, वहीं रात दिन पुलिस अपनी जान की परवाह किए बगैर सतत ड्यूटी कर रही है, अपनी व अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर जनता की सुरक्षा में लगी हुई है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनता लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कैसे लॉकडाउन का मजाक कमाल कम्युनिटी हॉल वाले रोड पर पटेल मार्केट के सामने उड़ाया जा रहा है। पब्लिक डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा, इस प्रकार रोड पर सब्जियों के ठेले लगाकर जाम लगाए जा रहे हैं। पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करती है तो उल्टा उसे ही दोष दिया जाता है कि पुलिस ज्यादती कर रही है। वहीं गरीबों की मदद करने वालों को बंद मुट्ठी मदद करनी चाहिए। खजराना की किस कॉलोनी में अधिक गरीब लोग रहते हैं, उनकी घरों तक राशन भेजना चाहिए, ना कि घरों के सामने लंबी लंबी लाइन लगवाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करना चाहिए। आर्ट इंडिया न्यूज परिवार क्षेत्र की आम जनता से हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस गंभीर बीमारी के चलते अपने अपने घरों में रहें और पुलिस का सहयोग करें, खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें, तभी हम इस कोरोना महामारी की जंग से लड़ सकते हैं। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।